viewers who have welcomed me again in this channel. So कैसे हो आप सब and how's your preparation going on? Situation test की preparation अगर अभी तक नहीं start किया है तो कर दो ना, क्यों wait कर रहे हो? You can watch my two videos here और अभी ये third video है जिसमें मैं पूरा आपको techniques बताने वाली हूँ कि बहुत सारे papers के techniques होते guys जिनको याद रखना बहुत important है. तो write up लिखना पड़ेगा ना, so write up में क्या लिखोगे अगर techniques नहीं पता होगा तो. इसलिए टेक्निक की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट टेक्निक्स. ओके, तो आई होप यू आर विद मी एंड मेरे साथ एंड तक रहना सो दैट कि आप कुछ भी मिस ना करो. मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो. यू नीड सम ऑफ कलरफुल शीट्स एंड या सीजर, कटर, एनीथिंग जो भी आपके पास हो आप उसे यूज़ करो. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट जंप ऑन आवर वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सम कलरफुल शीट्स. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपको करना है. आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हो. ओके, एंड यस, पेंसिल एंड देन कटर एंड ग्लू. सो इस तरीके से हम कट करेंगे. प्रॉपरली कट करना है आपको. एंड गाइस ट्राई करना कि आप थोड़े से कलरफुल शीट्स यूज़ करो और ख़रीद लो. सेम कलर के पैकेट्स मत खरीदना, क्योंकि सेम कलर से है ना करते करते हम बोर हो जाते हैं. इसलिए ना कलरफुल जब खरीदोगे ना तो आपका इंटरेस्ट भी जागेगा जब आप मॉडल्स बनाओगे. ओके, सो दिस इज़ आर फर्स्ट टेक्निक. जो फैन फोल्डिंग टेक्निक होता है वो है बेसिकली ये. तो आप इसको इस तरीके से बना के शीट पे पेस्ट कर सकते हो सो दैट कि आप बाद में टेक्निक्स याद रहे आपको. तो जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो उसके सामने कोई भी वॉल हो या आसपास कोई वॉल हो जहाँ पे आपकी नज़र डेली जाती हो वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हो. ओके, उस चार्ट को जिसमें हम बहुत सारे टेक्निक्स अभी पेस्ट करके रखने वाले हैं. ओके, सो उसको आप सामने वॉल पे पेस्ट कर लेना. एंड जब भी कोई मॉडल बनाओ तो आप राइटअप ट्राई करना लिखने का. एंड अगर आप राइटअप लिखते हो तो ये टेक्निक्स वगैरह अगर यूज़ हो रहा है उसमें तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैम. ओके, क्योंकि हमारे पास राइटअप लिखने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता. सो टेक्निक्स अगर पता होता है ना तो राइटअप लिखना ईजी हो जाता है. ओके, सो राइटअप वाला भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको बताऊँगी राइटअप कैसे लिखना चाहिए. बट दिस इज़ अ बेसिक, अभी ये बेसिक क्लास ही चल रहा है. ओके, सो दिस इज़ आर सेकेंड टेक्निक जो मैं कर रही हूँ कट एंड पेस्ट. आप सेम टू सेम भी कर सकते हो मेरी तरह गाइस. ओके, एंड ये वीडियो काफ़ी फास्ट है, आप इतना फास्ट नहीं कर पाओगे आई नो. एंड मुझे भी थोड़ा वीडियो को लिमिटेड रखना पड़ता है, मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि इंटरेस्ट फिर ख़त्म हो जाता है. सो या इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा फास्ट किया हुआ है. बट आप एक काम कर सकते हो, आप इसको स्लो करके आप मेरे साथ प्रोसीजर टू प्रोसीजर कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो. एंड अगर किसी भी कटिंग पेस्टिंग में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में और इंस्टा पे भी. ओके, ये टेक्निक को बोलते हैं रोल टेक्निक. तो आप मुझे फॉलो करके सेम टू सेम बना सकते हो. ओके, इस तरीके से बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको अपने अंदर. अगर स्टिक नहीं हो रहा है ना थोड़ा सा धैर्य रखो और आई एम श्योर आप कर लोगे. ओके, तो आराम से करो, क्लीन से काम करना है. अगर हैंड में ग्लू लग जाता है तो एक हैंकी अपने पास रखो और उससे साफ करते रहो. ओके, मेक श्योर जो आप कर रहे हो ना उसकी वजह से आपके शीट जो आपका मेन प्रेजेंटेशन है वो ख़राब ना हो. ठीक है, वो ज़्यादा क्लीन होना चाहिए क्योंकि मार्क्स उसी को मिलेगा ना जो नीट एंड क्लीन काम होगा. सो या हम ग्लू में काम करते करते भूल जाते हैं अपना मेन प्रेजेंटेशन भी हमें देना है, तो ये नहीं भूलना है आपको. ओके, एंड इस तरीके से कट करो. ये थर्ड टेक्निक है, दैट इज़ अ लूप टेक्निक, जिसमें कि एक साइड से आपका स्टिक होता है दूसरे साइड से नहीं होता है. सो ये वाले टेक्निक को आप बहुत सारे वे में, इवन जब हम इंटीरियर्स बनाते हैं ना तो उसमें भी ये सारी टेक्निक्स यूज़ होती है. कुछ टेक्निक्स तो यूज़ होती है. ओके, सो इन टेक्निक्स को आप अपने राइटअप में ज़रूर मेंशन करना अगर आप यूज़ करोगे तो. सो गाइस आवर सिचुएशन टेस्ट क्लासेस इज़ गोइंग ऑन, अभी चल रहा है. सो बैच वन है, आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो. दैट फी इज़ वेरी लेस, यू कैन ईजिली अफोर्ड दैट. और आप चाहो तो किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हो जो वेट कर रहे हैं लाइक अफोर्डेबल प्राइस पे क्लासेस, तो उनको भी सजेस्ट कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे तो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ, बट क्लासेस में क्या होता है ना थोड़ा और डीप में बताती हूँ और आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो सो दैट उस समय जो डाउट आ रहा होता है मन में
और उसी समय वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मेन क्लासेस का है ना यही फ़ायदा होता है लाइव क्लासेस का। ओके, एंड यूट्यूब पे बहुत जैसे अभी बहुत फास्ट फास्ट दिख रहा है तो ऐसा नहीं होता है मेन में। सो या उसमें क्या होता है ना, पेशेंस के साथ आप मेरे साथ काम करते हो। ओके, तो आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नेम। ओके, सो ये वाली टेक्निक जो है ये है आपकी कर्ल्स। तो जैसे कर्ली आप लेयर्स बनाते हैं लीफ में ऐड करने के लिए या फिर रिबन्स बनाने के लिए, तो इसको हम एज इट इज़ हम ऐसे तो यूज़ नहीं करेंगे, हम किसी वे में यूज़ करेंगे। सो जिस भी वे में यूज़ करो, जिस भी प्रोडक्ट में यूज़ करो, जहाँ पे भी यूज़ करो, बस आपको याद रहना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था टेक्निक्स एंड मैं इसे लिख भी सकती हूँ अपने राइटअप में। ओके, सो ये नहीं बोलना है आपको। सो पेस्ट करते हुए ना याद रखना कि आपके शीट पे ग्लू ना लगे, मेन शीट पे। ओके, तो क्योंकि है ना अगर शीट पे ग्लू लग जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इवन आप अभी तो आप ही देखोगे उसे, तो आप जब आपको ही अच्छा नहीं लगेगा तो आप कैसे अच्छे से काम कर पाओगे। सो नीट एंड क्लीन बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये टेक्निक है हमारा मैट टेक्निक। मैट तो देखा ही होगा आप लोगों ने मैट किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे कट लगा लेंगे। ठीक है, हमें याद रखना है कि हमें दोनों साइड को एंड अप कट नहीं करना है। ओके, बीच में कट लगाना है। देन ये वाला जो शीट मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ ये प्री फर्स्ट क्लास का है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कैसे आप लाइन की प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने उसी शीट्स में से ये वाले निकाल लिए हैं लाइंस जो हमने स्ट्रेट लाइन कट किया था। एंड देन इसको ऊपर से नीचे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी उसी तरीके से कर सकते हो। एंड डोंट वरी गाइज, मैं यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल शीट्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है कलरफुल शीट्स सो डोंट वरी, आपके पास जो भी शीट्स अवेलेबल है आप अभी उससे कर लो। ओके, एंड बाद के लिए आई मीन जब आप मॉडल्स बनाओगे तो उसके लिए आप न्यू शीट्स ले लेना, कलरफुल शीट्स। ओके, क्योंकि है ना कलरफुल शीट्स आपके माइंड के लिए भी ज़रूरी है, हम सेम कलर से ना करते करते बोर हो सकते हैं। ओके, इसलिए कलरफुल शीट्स से काम करना ज़रूरी है। सो आप बाद में ले लेना, अभी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे काम करो। ओके, सो ये जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी इस तरीके से कर सकते हो। एंड गाइस थोड़ा पेशेंस चाहिए ये सब काम करने के लिए, तो आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो मेडिटेशन वगैरह करो एंड पेशेंस डेवलप करो। ओके, एंड कोई भी टेक्निक को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा। ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, इसलिए पेशेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इवन डिज़ाइन इंडस्ट्री में नहीं, हर फील्ड में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो कट करना है आपको, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके निकाल देंगे। एंड दिस इज़ अ लास्ट स्ट्रिप जो हम डाल रहे हैं इसके अंदर, उसको भी बहुत ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने एंड्स कट नहीं किया है। तो ये पूरा मैट आएगा, मैट जैसा लुक आएगा इसका। एंड इसको आप इंटीरियर्स में यूज़ कर सकते हो, आई मीन जब आप रूम का इंटीरियर बनाओगे तो मैट नीचे हम लगाते हैं रूम में जो फ्लोर होता है उस पर, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर पाओगे एज अ मैट। ओके, एंड जब राइटअप लिखोगे तब वहाँ पे आप ये भी लिख पाओगे कि ये आई एम यूजिंग दिस टेक्निक। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इसको हम पेस्ट कर देंगे अच्छे से। सो इसको पेस्ट करने के बाद बिल्कुल साफ से और अच्छे से आपको लेना है एक कलरफुल पेंसिल, कोई सा भी। आई मीन जो शीट मेरा डार्क है इसलिए मैंने ये डार्क पेंसिल लिया ताकि दिखे। सो आपको लिखना है उससे। आप यहाँ पे मार्कर्स का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी रोक नहीं है मार्कर के लिए। ओके, बट एग्ज़ाम में नहीं कर सकते गाइज, एग्ज़ाम में याद रखना कोई भी पेंसिल मार्कर सब यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ तो ये आप अपने लिए बना रहे हो तो या खुद के लिए लिख सकते हो। सो ये टेक्निक आपको पता ही है, देख के लग रहा है कोन। सो या इस टेक्निक का नाम कोन है, आप कोन लिख देना इसको बना के कोन एंड वहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके, सो इस टेक्निक को बनाने के लिए एक नॉर्मल से स्ट्रिप लेना है, देन एक ही साइड से कट करना है, देन दोनों साइड से फोल्ड करना है जस्ट लाइक आई एम डूइंग। ओके, देन इसको भी हम पेस्ट करेंगे केयरफुली। सो इस टेक्निक का नाम है टैब्स। सो इसको भी आप पेंसिल से अच्छे से लिख दो, लाइक विजिबल चीज़ों से लिखना जिससे कि वो दिखे। ओके, सो या
सो गाइज़ यहाँ पे ये एंड नहीं हो जाता है टेक्निक. टेक्निक्स बहुत सारी इवन है, आप बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे कुछ बेसिक्स ही बता सकती हूँ एंड टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही बता सकती हूँ. सो लाइव क्लास में इससे ज़्यादा हम एक्सप्लोर करते हैं. ओके सो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ ये हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था, दैट इज़ ऑर्गेनिक शेप्स जो हम अंदर से कट कर रहे हैं. ये सब अभी कटिंग वाला प्रोसीजर ही चल रहा है गाइज, अभी कोई भी 3D प्रोडक्ट 3D शेप हमने कोई भी नहीं बनाया अभी तक, ये सब आपका कटिंग प्रोसीजर ही चल रहा है. तो इस टेक्निक को कहते हैं ऑर्गेनिक टेक्निक, जिससे कि आपको शेप फ्री हैंड, जो आप फ्रीली बना सको शेप, वो ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं. ओके जिनमें ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता, ईजिली वो आपके हैंड जिस भी तरह मूव करे और जैसा भी शेप बन जाए वो आपका ऑर्गेनिक शेप होता है. तो इसको बनाने के बाद इसको भी हम अच्छे से पेस्ट करेंगे. मेक श्योर कि ग्लू आपके हैंड में ना लगे, एंड लगे भी तो उसको आप हैंकी से साफ कर लेना ताकि शीट पे ना लगे. सो आई होप गाइज आपको ये सब टेक्निक समझ में आ रहा होगा. अगर आ रहा है ना अभी तक तो प्लीज़ मुझे बता के जाना, ऐसा मत करना देख के चले गए, मुझे प्लीज़ बता देना सो दैट कि मुझे भी लगे ना कि हाँ आपको समझ में आया है टेक्निक्स. ओके तो या इस तरीके से नेम लिख देना. देन आर लास्ट टेक्निक इज़ जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, अदरवाइज़ इसको सीज़र से भी कट कर सकते हो. इससे क्या होता है ना, अगर आप कटर से इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लाइन की भी प्रैक्टिस हो जाती है, लाइक आपकी पेपर कटिंग क्वालिटीज़ अच्छे से पेपर कट कर पाते हो यानी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है कटर से. इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि कटर से ज़्यादा काम करो. सीज़र से भी कर सकते हैं और सीज़र ले जाना अलाउड होता है एग्ज़ाम में, तो हाँ आप चाहो तो आप दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके मैं तो इवन दोनों से करती हूँ, जहाँ पे कटर लगता है अब काम नहीं करेगा तो वहाँ पे मैं सीज़र्स यूज़ कर लेती हूँ. सो इस तरीके से कट करना है. देन इस टेक्निक का भी हम नाम लिखेंगे. सो गाइज ये था हमारा पूरे टेक्निक्स का एक चार्ट पेपर जो हमने प्रिपेयर किया, और इसको हम सामने पेस्ट कर लेंगे. अब जो भी मॉडल्स बनाएंगे हमें बस याद रखना है अगर ये टेक्निक्स यूज़ हो रहा है उसमें, इट मीन्स कि आपको ये अपने राइटअप में भी मेंशन करना है. ओके सो आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड अगर हेल्पफुल लगा एंड टेक्निक समझ में आया किस तरीके से मैंने बनाया है या यूज़ किया है इन टेक्निक को, और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन सो दैट कि मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ. ओके एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो अगर इससे रिलेटेबल या अदर प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेबल तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. ओके एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर दूंगी. सो अगर आपने मेरे साथ बनाया है ये चार्ट पेपर पूरा क्लास अटेंड करके, तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है मुझे दिखाने का. सो टैग मी ऑन इंस्टाग्राम. सो हेयर द असाइनमेंट, द सेम असाइनमेंट जो आपने क्लास वर्क में किया. So guys, that's it for this video. I hope this will help you in your situation test preparation. अगर helpful लगा आपको video, so आप मुझे बता सकते हो so that कि मुझे भी खुशी मिलती है ना ये सुन के कि किसी की help हुई है. So if you want to join our preparation classes, you can easily just have to here WhatsApp your name and I'll send you all the information and the details. Okay? मिलते हैं next video में. Till then, stay tuned and have a happy preparation. Ta-da.